नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम रिश्ते में पढ़ रहे थे दोस्तों, दिशा परीक्षण शुरू करते हैं दोस्तों। दिशा परीक्षण दोस्तों, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रोहन 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, बाद में दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, बाद फिर बायां मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, तो रोहन अब कौन सी दिशा में जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रोहन अब कौन सी दिशा में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रोहन को 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाते हैं दोस्तों, रोहन को 25 किलोमीटर सही है दोस्तों उत्तर दिशा में जाता है, बाद में दाया मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाया कौन सा हो गया दोस्तों, ये कितना चला 35 किलोमीटर सही है दोस्तों, 35 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में बताया फिर बाया मुड़ता और 50 चलता, अब इसका बाया किधर हो गया दोस्तों, ऊपर कितना चला 50 सही है दोस्तों। तो अब रोहन कौन सी दिशा में जा रहा, तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर उत्तर दिशा में जा रहा है सही है दोस्तों। रोहन अब कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन क्या था, रोहन 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो हमने 25 किलोमीटर दोस्तों उत्तर दिशा में चलाया रोहन को। उसके बाद ये बताया कि दाया मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, तो हमने इसको दाया घुमाया और 35 किलोमीटर चलाया दोस्तों। फिर बाद में बोलता है कि बाया मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, तो हमने इसको बाया घुमाया दोस्तों और 50 किलोमीटर चलाया दोस्तों। अब वो क्वेश्चन था हमारा कि रोहन अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो रोहन कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, ऊपर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर उत्तर दिशा में जा रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन ये हो कि रोहन ने कितनी दूरी तय की, रोहन ने कितनी दूरी तय की। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, रोहन ने कितनी दूरी तय की, क्या करेंगे दोस्तों, 25 इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों 25 प्लस 35 प्लस 50, तो कितना हुआ दोस्तों 110 किलोमीटर दोस्तों सही है दोस्तों, 110 किलोमीटर हुआ दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने दोस्तों प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान से रोहन किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन हमारे दोस्तों इसी प्रश्न में कि प्रारंभिक स्थान से रोहन किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से दोस्तों क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान कहां पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस का निशान कर देंगे दोस्तों, ये हमने प्लस का निशान कर दिया दोस्तों। क्या पूछा, कौन से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया दोस्तों, यहां से हमने प्लस का निशान कर दिया दोस्तों, अब ये इसको मिला दिया दोस्तों सही है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से इसको मिला दिया, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, ये कौन सी है उत्तर, ये कौन सी है पूर्व, इसकी मध्य वाली दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उत्तर पूर्व सही है दोस्तों, उत्तर पूर्व, और इस दिशा को क्या कहते हैं, ईशान दिशा भी बोलते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व को ईशान दिशा भी कहते हैं दोस्तों। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से पूछ है हमारे को, तो यहाँ पे प्लस का निशान कर देंगे दोस्तों, और प्लस का निशान करने के बाद में यहाँ पे उत्तर यहाँ पे पूर्व, इनके मध्य की दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, और क्वेश्चन पूछ के रोहन किस दिशा में, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अब रोहन किस दिशा में जा रहा है,
किस दिशा में जा रहा है यहाँ से, हमने डायग्राम बनाया था यहाँ से किस दिशा में जा रहा है ये, उत्तर दिशा में जा रहा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कितनी दूरी तय की, तो सबको जोड़ देंगे दोस्तों कितनी दूरी तय की। अगर चौथा क्वेश्चन इसी प्रश्न में पूछे दोस्तों कि अंत से रोहन किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रश्न में है दोस्तों कि अंत से रोहन किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो क्या करेंगे दोस्तों अंत में यहाँ पे आए दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्लस का निशान कर देंगे दोस्तों, प्लस का निशान करने के बाद में इनको मिला देंगे दोस्तों, ये सीधी सीधी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से कौन सी दिशा आएगी दोस्तों, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पश्चिम, तो इनकी मध्य की दिशा कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों, सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कि रोहन 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो हमने 25 किलोमीटर दोस्तों उत्तर दिशा में चलाया, उसके बाद ही बताया कि दायां और बायां और 35 किलोमीटर चलता है, तो हमने इसको दायां घुमाया और 35 किलोमीटर चलाया दोस्तों। उसके बाद में फिर बोलता है कि बायां और 50 किलोमीटर चलता है, उसको बायां घुमाया और 50 किलोमीटर चलाया। उसके बाद में पूछा क्वेश्चन कि रोहन अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो रोहन कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, रोहन उत्तर दिशा में जा रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि रोहन कितनी दूरी तय की, तो रोहन ने कितनी दूरी तय की, 25 तो ये थी, 35 ये थी, 50 ये थी, तो ये सबको जोड़ेंगे क्या हुआ 110 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन था कि प्रारंभ स्थान से रोहन किस दिशा में है, तो प्रारंभ स्थान कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का निशान कर देंगे दोस्तों। प्लस का निशान करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या है उत्तर, यहाँ पे क्या है पूर्व, तो इन दोनों की मध्य कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर और पूर्व दिशा है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन था कि अंत से रोहन किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो अंत से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान करेंगे दोस्तों। प्लस का निशान करने के बाद में इसको मिलाने के बाद में ये कौन सी दिशा है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी है दक्षिण, यहाँ पे कौन सी है पश्चिम, मध्य की दिशा कौन सी होगी दक्षिण और पश्चिम। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं आपको करना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कितनी दूरी तय की, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। ये हमारे चार क्वेश्चन दोस्तों हल कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि राकेश पूर्व में 40 किलोमीटर चलता है, बाद में बायां मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है, तो राकेश अब किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कितनी दूरी तय की दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, चौथा क्वेश्चन है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। हल कीजिए दोस्तों,
किया दोस्तों आपने हल। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन था अपना कि राकेश पोरू में 45 किलोमीटर चलता है, तो हम राकेश को चलाएंगे दोस्तों पोरू में, ये चला है कितना 40 किलोमीटर, सही है दोस्तों। उसके बाद में कहा कि बाया मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है, अब इसका बाया कहाँ पे है दोस्तों ऊपर है, ये कितना है ये 40 किलोमीटर, यहाँ पर बना देखें दोस्तों ये 40 किलोमीटर सही है दोस्तों, बाया मैंने ऊपर मुड़ा और 60 किलोमीटर सही है दोस्तों, कितना 60 किलोमीटर। उसके बाद में बोला कि दाया मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, अब दाया कौन सा है दोस्तों, इधर वाला कितना चला 80 किलोमीटर, ये हो गया 80 किलोमीटर सही है दोस्तों, कितना हो गया 80 किलोमीटर। अब क्वेश्चन था हमारा पहला कि किस दिशा में जा रहा था, कौन सी दिशा ये पूर्व दिशा, तो किस दिशा में जा रहा है ये पूर्व दिशा में जा रहा है सही है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था कितनी दूरी तय की, इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों कितना आया 180, कितनी दूरी है 180, 40 प्लस 60 प्लस 80 बराबर 180 सही है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे डायग्राम बनानी दोस्तों, प्लस का निशान, प्लस का निशान, तो इसको मिलाएंगे दोस्तों किस दिशा में प्रारंभिक स्थान से मिला दिए दोस्तों, तो कौन सी दिशा हुई है, यहाँ पे क्या है उत्तर, यहाँ पे क्या है पूर्व, तो कौन सी दिशा ये उत्तर और पूर्व सही है दोस्तों, कौन सी आ गई उत्तर और पूर्व, ये हमारे तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन था कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, अंतिम स्थान कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का निशान देंगे और इसको मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा था प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ से ना प्रारंभ किया था दोस्तों उसने पूर्व दिशा में, तो यहाँ से यहाँ पे मिला है दोस्तों, तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पश्चिम, तो इन दोनों मध्य की दूरी दिशा कौन सी है दोस्तों दक्षिण और पश्चिम, ये हमारे दूसरे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों सही है दोस्तों। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, अब ज्यादा डीपली थोड़ी है दोस्तों इस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन था दोस्तों राकेश को दिशा में 40 किलोमीटर, तो हमने 40 किलोमीटर चलाया दोस्तों राकेश को 40 किलोमीटर सही है दोस्तों। उसके बाद में कहा कि बायां मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, तो हमने इसको बायां घुमाया दोस्तों और बायां घुमाया यहाँ पे घुमाया दोस्तों 60 किलोमीटर चला दोस्तों सही है। उसके बाद में कहा कि 80 किलोमीटर दायां मुड़ा और 80 किलोमीटर चला, तो हमने इसको दायां घुमाया राकेश को 80 किलोमीटर चलाया दोस्तों 80 किलोमीटर चला दोस्तों। उसके बाद में कहा है कि किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों पूर्व दिशा, किधर जा रही है पूर्व दिशा में जा रहा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था कितनी दूरी तय की दोस्तों इसने, तो दूरी को क्या करेंगे दोस्तों सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे 40 है यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 80 है, इन सबको जोड़ा तो क्या यहाँ 180 है सही है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान पे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का निशान करेंगे दोस्तों, प्लस का निशान करने के बाद ये कौन सी दिशा निकली दोस्तों उत्तर और पूर्व दिशा सही है दोस्तों। तो तीसरे का आंसर क्या है उत्तर और पूर्व। चौथा क्वेश्चन था कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, तो क्या करेंगे अंतिम स्थान पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस का निशान करेंगे दोस्तों, प्लस का निशान करने के बाद क्या हुआ दोस्तों ये कौन सी दिशा है दक्षिण, ये कौन सी है पश्चिम, इन दोनों की मध्य की दिशा कौन सी हुई दक्षिण और पश्चिम सही है दोस्तों। कर सकते हैं सारे क्वेश्चन ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों महेश,
हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि मैं 170 दिशा में जा रहा, मैं अपने बायां मुड़ा, मुड़कर 40 किलोमीटर चला, फिर 180 दायां मुड़कर चला। 180 डिग्री है दोस्तों, ऐसे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे डिग्री है दोस्तों। 180 डिग्री दायां मुड़कर चला तो मैं इस अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। हल कीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों, तो क्या है इसमें दोस्तों, मैं उत्तर दिशा में जा रहा था, मैं इसको चलाइए उत्तर दिशा में चला दोस्तों, उत्तर दिशा में। उसके बाद में कहा कि हुआ है अपने बायां मुड़कर 40 किलोमीटर चला, मैं इसका बायां कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला हो कितना चला 40 किलोमीटर। उसके बाद में कहा है कि फिर 180 दायां मुड़ता है, अब 180 कहां पे मुड़ेगा दोस्तों, नीचे घूमेगा दायां, दायां ऊपर घूमेगा दोस्तों, कितना घूमेगा 180 डिग्री, मतलब एक बार घूमता तो कितने डिग्री बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का ये हो गया दोस्तों, घूम गया दोस्तों एक बार तो दायां, दो बार घूमना ना 180 डिग्री, मतलब एक बार घूमते तो 90 डिग्री पे घूमते दोस्तों, तो 180 कितने पे आएगा, दो बार कितना घूमना है दायां में, और एक बार दायां घूम गया दोस्तों, उसके बाद में वापिस दायां और घूमना है, तो दायां किधर गया, इधर गया, तो अंत में मैं इस कौन दिशा में जा रहा है दोस्तों, कौन सी दिशा, ये पूर्व दिशा, कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है कि मैं इस उत्तर दिशा में जा रहा है, तो अपने उत्तर दिशा में चलाया दोस्तों मैं इसको, उसके बाद में था अपने बायां मुड़कर 40 किलोमीटर, तो उसको बायां घुमाया और 40 किलोमीटर चलाया दोस्तों। उसके बाद में था फिर 180 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे दायां मुड़ता है दोस्तों, तो 180 डिग्री का मतलब क्या, एक बार घुमाने का मतलब 90 डिग्री का होता है दोस्तों, दो बार घुमाने का मतलब 180, तीन बार 270, चार बार घुमाने पर 360, हमारे को पता है दोस्तों पूरा कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, तो एक बार घुमाने पर 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है, दो बार घुमाना है दोस्तों, कहाँ किधर से, दायां तरफ घुमाना है दोस्तों, तो हमने दायां घुमाया, एक बार घुमाया तो उत्तरी तरफ गया, दोबारा दायां घुमाया तो ये पूर्व तरफ गया, तो हमारा आंसर क्या है, तो कौन दिशा में जा रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है दोस्तों, सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि राकेश उत्तर दिशा में जा रहा है, वह 90 डिग्री, यहाँ पे डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री बायां मुड़ जाता है, बाद में 180 डिग्री दायां मुड़ता है, बाद में 135 डिग्री बायां घूमता है, तो अब राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन अपना हल कीजिए दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, पहले डायग्राम से देखते हैं दोस्तों, तो राकेश उत्तर दिशा में जा रहा है, तो राकेश को हमने घुमाया उत्तर दिशा में, ये चला दोस्तों राकेश उत्तर दिशा में, उसके बाद में कहा कि 90 डिग्री बायां, मतलब एक बार घुमाना है दोस्तों, किधर घुमाना है बायां, तो हमने बायां घुमाया दोस्तों, ये बायां घुमा दिया दोस्तों 90 डिग्री पर, सही है। उसके बाद में 180 डिग्री दायां मुड़ जाता है, अब हमारा किधर आ गया पश्चिम दिशा में, किधर घूमना है, 180 दायां घूमना है, दायां का मतलब ऊपर, दायां हाथ ऊपर, दायां घूमेंगे कितना, 180 दो बार घूमेंगे दोस्तों, एक बार दायां, दोबारा वापिस दायां घुमाना, तो इधर दायां घुमा, सही है दोस्तों। उसके बाद में बताया कि बाद में 135 डिग्री बायां,
अब 135 डिग्री बाया घुमाना दोस्तों, बाया का मतलब वापिस, अब पूर्व में देख रहे तो बाया हाथ ऊपर, तो बाया घुमाना 135 90 पे तो एक बार घूम गया दोस्तों, सही है दोस्तों। अब इसको घुमाना कितना है 135 यानी 90 पे, यानी आधा घुमाना, हाँ दोस्तों राकेश उत्तर के सामने जा रहा है और 90 डिग्री बाया मुड़ता है बाद में, 180 डिग्री दया मुड़ता है बाद में, 270 बाया मुड़ता है, तो अब राकेश कौन के सामने जा रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, दिशा उतारेंगे दोस्तों उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, तो राकेश उत्तर के सामने जा रहा है, उत्तर के सामने चला है दोस्तों ये राकेश उत्तर, 90 डिग्री बाया, बाया कितना दोस्तों इस तरफ है, 90 का मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गया दोस्तों 90 डिग्री, सही है दोस्तों यहाँ पे आ गए 90 डिग्री, उसके बाद में बताएगी 180 डिग्री दाएं, अब दाएं वापस क्या करेंगे दोस्तों, वापस जाएंगे दाएं, तो 90 तो ये हो गया दोस्तों और 90 ये हो गया, 180 डिग्री पे आ गए दोस्तों, तो यहाँ पे आ गए दोस्तों पूर्व दिशा में, उसके बाद में कहा कि 270 बायां, अब बायां किधर है दोस्तों, वापिस चलेंगे बायां 90 90 180 और 90 270, सही है दोस्तों, तो राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा है दोस्तों दक्षिण, कौन सी दिशा में जा रहा है राकेश, दक्षिण दिशा में जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा राकेश उत्तर दिशा में जा रहा है, तो हमने राकेश उत्तर दिशा में चलाया दोस्तों, उसके बाद में कहा है कि वह 90 डिग्री बायां मुड़ता है, तो हमने एक बार घुमा दिया दोस्तों इधर बायां घुमा दिया दोस्तों, सही है दोस्तों, उसके बाद में कहा कि 180 डिग्री दायां मुड़ता है, तो हमने 180 डिग्री दायां घुमाया दोस्तों, 90 यहाँ तक और 90 यहाँ तक आ गया, अब कौन सी दिशा में, ये पूर्व दिशा में, उसके बाद में बताया कि 270 बायां मुड़ता है, तो हम 270 चलना है दोस्तों, 270 के लिए क्या करेंगे वापिस आएंगे दोस्तों, 90 तो ये 90 ये 90 ये कितने हो गए दोस्तों 270, कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण दिशा आ गई दोस्तों, सही दोस्तों, ये तो था डायग्राम से, ऐसे नहीं कर क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ बायां लिखेंगे एक तरफ दायां, एक तरफ बायां एक तरफ दायां, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या है 90 डिग्री बायां, तो बायां के नीचे 90 डिग्री ली गई, सही है दोस्तों, उसके बाद में 180 दायां, तो 180 दायां ली देंगे, उसके बाद में 270 बायां, 270 नीचे बायां के नीचे ली गई 270, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो आ गया 180, यहाँ पे जोड़ेंगे तो दोस्तों 360 डिग्री, सही है दोस्तों, तो कितना दिखे दोस्तों ये, यहाँ पे 180 यहाँ पे 360 यानी 180 अधिक है दोस्तों, कौन सा वाला बायां, मतलब बायां दिखे तो हमको बायां घुमाना है दोस्तों, अगर दायां दिखा था तो दायां घुमाते, बायां दिखाया कितना आया 180 आया, तो 180 डिग्री घुमाइए राकेश को बायां, क्या करेंगे उत्तर दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये उत्तर दिशा में कितना घुमाना है 180, किस दिशा में बायां, तो राकेश का बायां 180 का मतलब एक बार ये हो गया बायां, सही दोस्तों, उसके बाद वापिस बायां, वापिस नीचे आ जाएगा ये हो गया बायां, वे कौन सी दिशा है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा है दोस्तों, तो कौन क्या आंसर आया, दक्षिण आंसर आया, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे भी दक्षिण आया था, या तो आप डायग्राम से कर लो दोस्तों, या आप इधर बायां और इधर दायां लिख के भी कर सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार से कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएंगे, यहाँ पे भी दक्षिण आया तो यहाँ पे भी दक्षिण आया दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, एक बार वापिस देखना दोस्तों, राकेश उत्तर दिशा में जा रहा है और 90 डिग्री बायां मुड़ जाता है, मतलब राकेश को उत्तर दिशा में चलाया 90 डिग्री बायां घुमाया, तो 90 डिग्री बायां यहाँ पे आ गया, तो कौन पश्चिम दिशा में आ गया दोस्तों, उसके बाद में कहा कि 180 दायां घुमा, 180 वापिस घुमाएंगे इसको दायां तरफ, तो ये कौन दिशा में आ गया दोस्तों, ये पूर्व दिशा में आ गया, उसके बाद में कहा कि 270 बायां, तो 270 बायां घुमाएंगे क्या करेंगे दोस्तों, वापिस आएंगे इधर यहाँ पे आ गए दोस्तों 270 पे, कौन सी दिशा आई, दक्षिण दिशा आई, ये तो था हमारे डायग्राम से, ऐसे नहीं करते तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरफ बाया एक तरफ दायना, तो जो जो दाया ना उसको आगे उतार देंगे, जो बाया ना उसको इधर उधर देंगे दोस्तों, क्या है पहले 90 डिग्री बाया, तो हम 90 को बाएं की ओर लिख दिया दोस्तों, सही है, उसके बाद में 180 दाया, दाएं की ओर लिखा 180, सही है दोस्तों, उसके बाद में कहा कि 270 डिग्री बाया, तो 270 हमने बाया लिख दिया, इनको जोड़ देंगे दोस्तों, जोड़ने पे क्या आया 360, यहाँ पे कितना है 180, इनका आंसर करेंगे क्या आया 180, 180 बदी किसका है दोस्तों, बाया गया तो बाई में चलना है कितना 180, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये उत्तर दिशा में जा रहा है,
180 डिग्री बाया। तो एक बार घुमाया कौन दिशा, पश्चिम दिशा, दोबारा बाया घुमाया कौन दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे मार गया क्या आया दक्षिण, वैसे भी क्या आया था दक्षिण। कर सकते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं सही क्वेश्चन एक और दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि मोहन पूर्व दिशा में जा रहा है, वह 90 डिग्री बायां चला, बाद में 90 डिग्री दायां चला, फिर 180 डिग्री दायां चला, फिर 270 बायां चला, फिर 90 डिग्री बायां चला, तो अंत में मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है? हल कीजिए दोस्तों। किया दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, मोहन को पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व दिशा में चला मोहन, उसके बाद में कहा कि 90 डिग्री बाया, तो बाया किधर दोस्तों, ये 90 डिग्री घुमा दोस्तों बाया, या ऐसे नहीं करते दोस्तों, ये डायग्राम लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, से दोस्तों ऐसे करते हैं, मोहन पूर्व दिशा में जा रहा, मोहन चला पूर्व दिशा में, उसके बाद में कहा कि 90 डिग्री बाया, तो बाया कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे, सही है दोस्तों। उसके बाद में कहा कि 90 डिग्री दाया, तो यहाँ से दाया कितना आना है 90 डिग्री, तो वापिस यहाँ पे आ गया दोस्तों, सही है दोस्तों। उसके बाद में कहा कि 180 दाया, अब दाया किधर हो गया दोस्तों, नीचे हो गया 90, तो ये कितना चला है 180 और 90, ये कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। उसके बाद में कहा है कि 270 बाया, अब 270 बाया दोस्तों, 270 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, नीचे चलना है कितना 270, तो यहाँ से चलेंगे दोस्तों 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, तो कौन सी दिशा में आ गया दोस्तों, ये उत्तर दिशा में आ गया दोस्तों, 270 डिग्री चलने के बाद उत्तर दिशा में आ गया दोस्तों। उसके बाद में कहा कि फिर 90 डिग्री बाया चला, अब यहाँ से बाया कौन सी दिशा में दोस्तों, इस दिशा में, कितना 90 डिग्री आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया दोस्तों। क्वेश्चन की मोहन किस दिशा में जा रहा, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में आया, पश्चिम दिशा, सही है दोस्तों। ये तो था डायग्राम से, अब वैसे करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे बाया, एक तरफ लिखेंगे दाया, क्वेश्चन था कि 90 डिग्री बाया, तो बाया के नीचे लिखेंगे 90, 90 डिग्री दाया, दाया के नीचे लिखेंगे 90, उसके बाद में था 180 दाया, तो 180 लिख दिया दाया, 270 बाया, 270 बाया, उसके बाद 90 डिग्री बाया, 90 डिग्री बाया, सही है दोस्तों। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे तो यार 270, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 9, 9, 18, 5, 25, 350 दोस्तों, सही है दोस्तों, 350 आएगा दोस्तों, सही है दोस्तों 350। अब इनका अंतर करेंगे दोस्तों, कितना है दोस्तों, 80 डिग्री को
इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 2 + 2 = 450 आया। कितना दिख गया दोस्तों, यहाँ पे 450, यहाँ पे 270, तो कितना दिख गया दोस्तों, इनका अंतर करेंगे दोस्तों, 450 में 270 याद क्या बचा दोस्तों, 180 डिग्री। 180 किसका, बाएं का। क्या करेंगे हम, बाएं से मिलना कितना, 180 डिग्री। मोहन सर तो कौन सी दिशा में गया, पूर्व दिशा में, ये जो हमने मोहन को पूर्व दिशा में चलाया दोस्तों, कितना चलाना है, 180 डिग्री। तो मोहन का किधर चलना है, बाया, तो बाया कहाँ पे हो गया, ऊपर, ये 90 चला दोस्तों। उसके बाद में वापिस 90 चलाना दोस्तों, तो ये वापिस 90 चला दोस्तों, कौन सी दिशा गई इधर, पश्चिम दिशा दोस्तों। और वैसे भी कौन सी दिशा है इसमें, यहाँ पे पश्चिम दिशा ही है दोस्तों, यहाँ भी पश्चिम आया और यहाँ पे भी पश्चिम आया। किसी प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, एक ही दिशा आएगी, एक ही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।